हमने स्टार्ट किया है लेसन नंबर एंड एंड एसिड हम पढ़ चुके हैं पीएच हम पढ़ चुके हैं और आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ पीएच ऑफ सॉल्ट से बहुत सिंपल छोटा सा टॉपिक है हम सब जानते हैं सोल्ट न्यूट्रल होते हैं लेकिन एक्चुअल में कई बार कुछ सॉल्व ऐसे भी होते हैं मैंने आपको बताया था सॉल्ट फैमिली बहुत ह्यूज फैमिली होती है तो कुछ सॉल्व ऐसे भी होते हैं जो एक्विज सल्यूशन में स्लाइड सा एसिडिक या कई बार स्लाइड सा बेसिक बिहेवियर करते हैं यानी इनका पी एच सेवन न होके या तो सिक्स हो जा सिक्स के आसपास होता है या नाइन के आसपास होता है तो आज हम इसी के बारे में पी ऑफ सॉल्व पढ़ेंगे हेलो स्टूडेंट्स वेलकम ट्यूटोरियल्स आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं ये ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर एंड होने वाला है आपको क्या करना है आप सब जानते हैं चलिए क्विकली लाइक कीजिए वीडियो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे बच्चों को उतना ही एडवांटेज मिलेगा फायदा होगा तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं पीएच ऑफ सॉल्ट ठीक है जैसे कि मैंने आपको बताया था हम सब जानते हैं कि सॉल्ट क्या होते हैं व्हेन एसिड एंड बेस बोथ रिएक्ट विथ अदर फॉर्म सोल्ट एंड वॉटर ये तो आप सब जानते, जिसका example, आप जानते हैं जिसका एग्जाम्पल कॉमन सोल्ट था न्यूट्रल सॉल्ट लेकिन सोलूशन है तो मैंने आपको बताया था जैसे प्योर वॉटर का पी एच सेवन था वैसे ही सेम वाटर कंपाउंड है लेकिन जो सॉल्ट होते हैं जैसे सोडियम क्लोराइट है शुगर सोल्यूशन है जो न्यूट्रल सॉल्ट है उनका पी एच होता है सेवन लेकिन मैंने जैसे आपको बोला कि कुछ कुछ सॉल्ट ऐसे भी होते हैं जो एक्वा सोल्यूशन में यानी वाटर में स्लाइट एसिडिक या बेसिक बिहेवियर कर दिखाते हैं यानी उनका जो पीएच है या तो वो सेवन से बिलो शिफ्ट हो जाता है या सेवन के अबाव शिफ्ट हो जाता है तो हम देखते हैं सोल्ट जैसे आप एग्जाम देखिए NaCl हम सब जानते हैं ये क्या है सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड एक न्यूट्रल सॉल्ट है जिसका पीएच होता है सेवन जब पीएच हमारा सेवन होता है आपको याद है कलर ग्रीन आता है तो ये न्यूट्रल हमारा सॉल्ट होता है न्यूट्रल दूसरा हम बात करेंगे अमोनियम क्लोराइड की NH4Cl अमोनियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड स्लाइड सा एसिडिक सॉल्ट होता है जब हम इसको पीएच पेपर पर पे डालते हैं तो तब आप देख देखिए ये थोड़ा सा सेवन के नीचे सिक्स के ऊपर शिफ्ट होता है यानी ये सॉल्ट कैसा है इसका पीएच वैल्यू सिक्स आती है ये हमारा एसिडिक सॉल्ट थर्ड है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट इसमें सेवन के थोड़ा सा आगे जाता है पीएच वैल्यू इसकी वैल्यू नाइन आती है यानी ये है बेसिक सॉल्ट तो हम वो कह सकते हैं कि जो सॉल्ट होते हैं यदि हम टाइप्स ऑफ सॉल्ट की बात करें तो ये तीन टाइप के सॉल्ट होते हैं न्यूट्रल सॉल्ट एसिडिक सोल्ट एंड बेसिक सॉल्ट तीन टाइप के सॉल्ट होते हैं और ये तब हमें acidic, या न्यूट्रल बिहेवियर शो करते हैं बेसिकली हाइड्रोलिस मतलब जब हम इन्हें वॉटर में डालते हैं वॉटर में डालते हैं हाइड्रोलिस होता है और ये न्यूट्रल कुछ एसिडिक कुछ बेसिक बिहेवियर शो करते हैं मैक्सिमम सॉल्ट न्यूट्रल होते हैं लेकिन कुछ सॉल्ट एसिडिक एंड बेसिक होते हैं और वही आज हम देखेंगे चलिए अब हम वन बाय वन इनको पढ़ लेते हैं पहला हम पढ़ेंगे न्यूट्रल सॉल्ट न्यूट्रल सॉल्ट कैसे होता है बच्चों आप ध्यान से देखें ये न्यूट्रल सॉल्ट हमेशा बनता है स्ट्रोंग एसिड एंड स्ट्रोंग बेस के कॉम्बिनेशन से हम सब जानते हैं स्ट्रोंग एसिड मतलब जब इसे वाटर में डालते हैं तो ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है यानी ये एच प्लस आयन कंप्लीटली एच प्लस आयन देता है और स्ट्रांग बेस कौन सा होगा जब इसे हम वाटर में डालते हैं तो ये भी कंप्लीटली आयनाइज होके ओ एच आयन देता है तो जो कंप्लीटली आयनाइज होता है उन्हें हम स्ट्रॉग एसिड या स्ट्रांग बेस कहते हैं जो पार्शली आयनाइज होता है उसे हम वीक एसिड या वीक बेस कहते हैं तो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है स्ट्रांग एसिड एंड स्ट्रोंग बेस के कॉम्बिनेशन से हम जानते हैं एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बनाता है तो जब एसिड हमारा स्ट्रांग है और बेस भी स्ट्रांग है तो हमारा जो सॉल्ट बनता है वो कैसे बनता है न्यूट्रल सॉल्ट इसका पीएच, न्यूट्रल सॉल्ट का पीएच हमेशा सेवन होता है चलिए अब हम इसको एक एग्जाम्पल से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं हम यहाँ ले रहे हैं डायल्यूट एच हमने यहाँ पर लिया डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम सब जानते हैं कि डायल्यूट एच कैसा है स्ट्रांग एसिड है जब हम इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा है आप सब जानते बच्चों ये स्ट्रोंग बेस है तो जब डाइल्यूट एस सी एल एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी एसिड एंड बेस दोनों स्ट्रांग है जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो हमारा न्यूट्रल सॉल्ट सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर है

बना पोटेशियम सल्फेट जो कि एक न्यूट्रल सॉल्ट है प्लस वाटर बन जाता है तो ये जो पोटेशियम सल्फेट है इसकी भी पीएच की वैल्यू कितनी आएगी सेवन आएगी तो जो न्यूट्रल सॉल्ट आपको क्लियर हो गया होगा न्यूट्रल सॉल्ट जब स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से बनता है न्यूट्रल सॉल्ट जिसमें पीएच वैल्यू होती है सेवन अब हम दूसरा देख लेते हैं एसिडिक सॉल्ट स्लाइट सा एसिडिक होता है ये कि बहुत ज्यादा जीरो वन तक उसकी वैल्यू आती है बस सेवन से ज्यादा से ज्यादा सिक्स तक आती है एसिडिक सॉल्ट वो होता है जिसमें पीएच की वैल्यू लेस देन सेवन होती है मतलब 7 से तक आ जाती है अब हम देख लेते हैं ये कैसे बनता है देखिए बच्चों एसिडिक सॉल्ट होगा मतलब एसिड तो स्ट्रॉन्ग होगा तो ये बनता है कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड बट वीक बेस अब क्या होता है यहाँ पर बेस वीक है वीक बेस है तो नेचुरली एसिड यहां स्ट्रोंग हो जाता है तो सॉल्ट कैसा बन जाता है एसिडिक सॉल्ट अब आपको जैसे मैंने बताया कि स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं वाटर में वीक बेस मतलब जो पार्शियली आयनाइज होते हैं तो इससे जो सॉल्ट बनता है एसिड सॉल्ट बनता है हम एग्जाम्पल देख लेते हैं यहां मैंने लिया एच सी एल डायलूट एच सी एल हम सब जानते हैं डायल्यूट एच सी एल कैसा होता है स्ट्रोंग एसिड इसके रिएक्शन हम कराते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड से ध्यान से सुनना बच्चों अमोनियम हाइड्रोक्साइड से अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है वीक बेस है मतलब जब आप इसको वाटर में डालते हो ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता ये कंप्लीटली आयनाइज होके ओ एच आयन नहीं देता ये ज्यादातर मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है तो ये एन एच फोर ओ एच और जब डायलूट एसियन स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो बनाता है अमोनियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड जो स्ट्रांग एसिड से बना है इसलिए अमोनियम क्लोराइड कैसा है एसिड सॉल्ट है इसकी पीएच वैल्यू लेस देन सेवन आएगी हम इसको और देख लेते हैं एक और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं हमने लिया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड अगेन सल्फ्यूरिक एसिड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड जब ये रिएक्शन करता है सेम वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है अमोनियम सल्फेट एन एच फोर SO4 एसओ फोर ये भी कैसा है एसिड सॉल्ट है ये बनाता है अब आप देखो इस इसको हम वा, जब वॉटल में इसका हाइड्रोलिस करते हैं तो ये किस तरह से एसिडिक सॉल्ट है और ये कैसे वीक बेस से बनता है आपको यहाँ पता लग जाएगा ये अमोनियम क्लोराइड जो मैंने यहाँ लिख देती हूँ एसिड सॉल्ट है ये एसिडिक सॉल्ट है हम जब इसमें वाटर में डालते हैं हाइड्रोलिसिस होता है वापस रिएक्शन रिवर्सिबल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और एल देता है ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड पार्शियली आयनाइज होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड ज्यादातर मॉलिक्यूल फॉर्म में रहता है ये ओएच आयन बहुत लेस अमाउंट में देता है बहुत लेस अमाउंट में देता है जबकि आप ये एच सी एल देखते हो इसमें ये एच प्लस एंड एनसीएल माइनस कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है तो ये जो वीक बेस और स्ट्रांग एसिड से बन गया और जैसे मैंने आपको बोला हम इसे कहते हैं एसिडिक सॉल्ट चलिए अब हम इसका लास्ट देख लेते हैं बेसिक सॉल्ट बेसिक सॉल्ट यानी यहां पर बेस वाला पार्ट ज्यादा होगा स्ट्रांग होगा इसका जो पीएच है पीएच सेवन से ऊपर जाएगा सेवन टू नाइन बिटवीन सेवन टू नाइन आएगा ये तो पीएच है जो है इज मोर देन सेवन तो ये हमारा होगा बेसिक सॉल्ट अब जैसे मैंने आपको एसिड सॉल्ट बताया था तो मैंने कहा था स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो नेचुरली बेसिक सॉल्ट में क्या होगा स्ट्रॉन्ग बेस होगा वीक एसिड होगा वीक एसिड होगा तो सप्रेस हो जाएगा बेस डोमिनेंट हो जाएगा इसमें तो वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से बनता है हमारा बेसिक सॉल्ट एंड वॉटर अब यहां देखिए हमने लिया है एसिटिक एसिड आप सब जानते हैं कि एसिटिक एसिड वीक एसिड है ऑर्गेनिक एसिड है ये वीक एसिड है वीक एसिड है मतलब जब आप इसको वाटर में डालते हैं तो पार्शियली ऑर्गेनाइज होता है ये इसका स्ट्रॉन्ग बेस एन सोडियम हाइड्रोक्साइड हम सब जानते हैं में ये है स्ट्रॉन्ग बेस इससे रिएक्ट कराते हैं तो बनता है सी एच टी सी डबल ओ एन सोडियम एसिटेट जो एक बेसिक सॉल्ट है और वैसे भी सोडियम एसिटेट वीक सॉल्ट होता है बट ये बेसिक सॉल्ट है तो ये एसिड सॉल्ट बेसिक सॉल्ट एंड न्यूट्रल सॉल्ट ये बहुत सिंपल सा टॉपिक था लेकिन कई बार आप सीबीएसई में जानते हैं पेपर में वन मार्क में हम सब जानते हैं कि जो वन मार्क वाला पार्ट होता है वो थोड़ा सा टफ होता है तो वन मार्क में कभी कभी ट्विस्टेड क्वेश्चन आते हैं तो उनमें ये आ जाता है आप मेरे नोट्स और मैंने जो आपको पढ़ाया है टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ी है आपके लिए उतना सफिशियंट है एंड में मैंने इसके भी नोट्स शेयर किए क्विकली ले लिख लीजिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगला जो वीडियो है मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है पीएच इन आर डेली लाइफ हम वो करेंगे